हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे, अगर आपका मुकदमा, आपका कोई भी केस कोर्ट में चल रहा है तो क्या हर तारीख पे आपको जाना अनिवार्य है, या अगर आप तारीख पे नहीं गए तो क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपका मुकदमा किसी भी न्यायालय में चल रहा है, किसी भी न्यायालय में, तो आपको हर तारीख पे उपस्थित होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको कोई काम पड़ गया, भाई हर जरूरी तो नहीं है कि हर तारीख पे आप उपस्थित रहें और आप इतने खाली हैं, फ्री हैं, तो दूसरी बात ये है कि अगर आप नहीं पहुंच रहे हैं तो आपका वकील वहां उपस्थित होना चाहिए। आपके वकील साहब आपके तरफ से एक हाजिरी माफी दे देंगे। अब हाजिरी माफी शब्द से दो प्रश्न उठते हैं, हाजिरी माफी होता क्या है और कितनी तारीख पे हाजिरी माफी दी जा सकती है, कब तक ऐसे ही चलाया जा सकता है मामले को। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही आज का हमारा यह वीडियो है। सबसे पहला काम ये करिए कि सीआरपीसी की धारा 205, ध्यान से सुनना है, सीआरपीसी की धारा 205 हाजिरी माफी को बताता है। अब हाजिरी माफी क्या है, कोई भी न्यायालय का न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि अगर आप किसी भी कारण से न्यायालय नहीं उपस्थित होते हैं तो वो कारण बताते हुए हाजिरी माफी दे सकते हैं। एप्लीकेशन उसका आप दे सकते हैं, प्रार्थना पत्र उसका दे सकते हैं कि इस कारण से आज मैं न्यायालय उपस्थित नहीं हो पाया हूं, और जरिए अधिवक्ता हाजिरी माफी दी जाए। ये आपके वकील साहब देंगे एप्लीकेशन। दूसरी बात ये, क्या आप परमानेंट हाजिरी माफी भी करा सकते हैं, कहने का मतलब ताकि आपको कोर्ट जाना ही ना पड़े, हमेशा के लिए हाजिरी माफी हो जाए। तो इन सब प्रावधान का क्या मतलब होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपको न्यायालय ना जाना पड़े तो सबसे पहला काम जो ये प्रावधानित है 205 सीआरपीसी 217 और सीआरपीसी की धारा 273, इन सब में उपबंधित है कि किस तरह से आप परमानेंट हाजिरी माफी दे सकते हैं। उसके दो कारण होते हैं, आप अदर स्टेट में रहते हो और आपका केस किसी और प्रदेश में चल रहा हो, तो आप ये बता सकते हैं कि हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना पड़ता है, हमें तब बुलाया जाए या हम कोर्ट के बराबर प्रोसीडिंग में मदद करते रहेंगे जब जरूरी होगा हमारा, जब कोर्ट को लगेगा कि आपकी उपस्थिति अनिवार्य है तब हमें बुलाया जाएगा, तो मैं उपस्थित रहूंगा, ऐसा आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा। तो अगर कोर्ट को लगता है कि ठीक है इनके बगैर जब तक काम चलाया जा सके तब तक चलेगा, भाई हर तारीख पे आपको उपस्थित होने से कोई मतलब तो है नहीं, तो जब आपकी जरूरत होगी तब आप उपस्थित रहेंगे। जब ये विश्वास दिलाएंगे या एफिडेविट देंगे या आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर देंगे कि जब हमारी जरूरत हो मैं न्यायालय में हाजिर रहूंगा, उपस्थित रहूंगा, तो इन कंडीशनों में कोर्ट आपकी परमानेंट हाजिरी माफी कर सकती है और आप लगातार हाजिरी माफी पे चलेंगे और आपको बार बार कोर्ट जाने की झिझक नहीं रहेगी, बार बार कोर्ट जाने आने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरी बात ये, अगर इन सब के अलावा आपने किसी भी वकील को हायर नहीं किया और आप कोर्ट के बार बार बुलाने पे भी कभी उपस्थित नहीं हुए, तो 100% आप ये मान के चलिए आज नहीं कल आपको जेल जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, या तो स्वयं उपस्थित रहें या जरिए अधिवक्ता उपस्थित रहें। इन सब कारणों के अलावा अगर कोई बात हो, कोई प्रश्न हो, कोई सवाल जवाब आपको करना है, तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप कमेंट करके, फ़ोन करके, दोनों भी सुविधा है, चाहे तो आप कमेंट करिए या स्क्रीन पर चल रहे नंबर आपको फ़ोन करना है, तो सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी।
अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। YouTube चैनल SP72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब।